नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सूर्य का कारकत्व, बली व निर्बली सूर्य का फल, और अगर निर्बल है तो उसका क्या उपाय हो सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम सूर्य को लेंगे, ऐसे फिर नवग्रह पर्यंत तक चलेंगे, सभी ग्रहों का हाल जानते हुए चलेंगे। आने वाले समय में, थोड़े ही दिनों में, आपके सामने जो वीडियोस आते हैं उनकी क्वालिटी और कंटेंट को हम इम्प्रूव करेंगे और डिजिटलाइज करेंगे और बेहतर तरीके से सामने आकर के हम आपको समझाएंगे। क्योंकि अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं तो सिर्फ आपको हम कॉपी पेन से समझाते हैं, आने वाले समय में डिजिटल पैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। कोर्स भी उसी के बाद शुरू होगा, सारे कोर्स की रिकॉर्डिंग डिजिटल पैनल पर होनी है कोर्स की, तो वहाँ से आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। अभी हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है यह विश्व का आत्मा है, पृथ्वी की आत्मा है। पृथ्वी की आत्मा है तो हमारी भी आत्मा है। सूर्य से आत्मा का विचार, आत्मबल का विचार, कॉन्फिडेंस का विचार हो जाता है। आत्मबल जो हो गया वह सूर्य के क्षेत्र में आ गया, आँखों की रोशनी भी सूर्य के क्षेत्र में आ जाती है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा होता है तो व्यक्ति के चरित्र के का जो है गुणगान होता है, व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, साहस रहेगा। सूर्य आरोग्यता का कारक है, मेन कारक आरोग्यता का सूर्य है। अगर किसी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे महामारी आ जाती है, अभी कोविड वगैरह आया था, तो अगर सूर्य कमज़ोर है, चंद्र कमज़ोर है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों में ज़्यादा सावधानी करनी पड़ती है। बीमारियां बार बार आती हैं आरोग्यता की कमज़ोरी के कारण, अगर सूर्य कमज़ोर है। और अगर सूर्य कमज़ोर है तो लगातार दवाओं पर निर्भरता, वीकनेस जल्दी जाती नहीं है। नेतृत्व करने की क्षमता भी सूर्य ही देता है, क्योंकि यह राजा है जिसका सूर्य अच्छा होता है। आप कुंडली देखिए, अगर आपको किसी को नेतृत्व सौंपना है, मेन पद देना है, तो अच्छे सूर्य वाला व्यक्ति अच्छी तरीके से नेतृत्व करता है। और जिसका सूर्य कुंडली में अच्छा होता है, ऐसे नेतृत्व वाले व्यक्ति से लोग उसके आदेशों का पालन भी करते हैं और उससे भय भी खाते हैं। क्योंकि नेतृत्व जो कर रहा है उसके प्रति लोगों के अंदर एक भय होना चाहिए, तभी काम सही आ पाता है। और अगर सूर्य जो है शासन से संबंधित है, सत्ता पक्ष से संबंधित है, जो आपके ऊपर के अधिकारी वर्ग हैं वहाँ से सूर्य का संबंध होता है, पिता का भी कारक सूर्य होता है। अब सूर्य अगर स्वराशि का होगा, 5 नंबर की गिनती पर हो, अगर सूर्य 1 नंबर की गिनती पर है तो उच्च का हो गया, 5 नंबर पर है तो स्वराशि का है। और अगर यही सूर्य 8 नंबर की गिनती पर है, 9 नंबर की गिनती पर है, 12 नंबर की गिनती पर है, तो मित्र के घर का है, तो भी अच्छा माना जाता है। तो सूर्य के अच्छे और बुरे होने की क्या स्थितियां हो सकती हैं और क्या परिणाम होता है, जो भी सूर्य का कारक मैंने अभी आपको बताया, अगर सूर्य अच्छा होगा तो उन सब में अच्छा फल देगा, अशुभ होगा तो जातक निरंकुश होगा, निर्दयी होगा, क्रोधी होगा और धैर्य की कमी होगी, आरोग्यता बार बार बिगड़ेगी, अपने बड़े अधिकारियों से बात बिगड़ेगी, और जहां शासन सत्ता के अधिकारियों की बात आएगी वहां के लोगों से भी बिगाड़ होता रहेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 6ठे भाव में है, सूर्य 8ष्टम भाव में है, सूर्य 12ष्ठ भाव में है, तो विशेष रूप से कमज़ोर हो जाता है। आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी सूर्य लिखा हुआ है, अगर उसके आगे वाले भाव और पिछले भाव में, जैसे मान लीजिए सूर्य 8ष्टम में ही है, 10ष्टम में ही है, जहाँ भी सूर्य है उसके अगले भाव में और उसके पिछले भाव में अगर कोई शुभ ग्रह लिखा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह में कौन कौन से आ जाएंगे, गुरु आ जाएगा,
चंद्र आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा और बुध आ जाएगा। क्रूर ग्रह में मंगल आएगा, एक तो सूर्य स्वयं भी क्रूर है, दूसरा शनि आ जाएगा, राहु और केतु आ जाएंगे। तो जहाँ भी सूर्य बैठा है उसके आगे और पीछे अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो सूर्य शुभ कर्तरी में आ जाता है, शुभ कर्तरी में आ जाएगा। तो शुभ कर्तरी में अगर सूर्य है तो सूर्य का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, लेकिन आगे पीछे अगर क्रूर ग्रह हैं, किसी भी ग्रह के, सूर्य के ही नहीं किसी भी ग्रह के आगे पीछे शुभ ग्रह हों तो शुभ कर्तरी वाला ग्रह अच्छा रिजल्ट दे देता है, पाप कर्तरी वाला ग्रह अशुभ प्रभाव देता है। अगर यह शुभ कर्तरी मान लीजिए सूर्य अष्टम में है और आगे पीछे शुभ ग्रह है तो जो अष्टम में होने का सूर्य का अशुभ प्रभाव है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही सूर्य अच्छी जगह पर है, 6, 8, 12 में नहीं है बल्कि लगन में है, चतुर्थ में है, पंचम में है और तब शुभ कर्तरी में आ गया तो बहुत अच्छा है। अगर अन्य भावों में है, 6, 8, 12 में नहीं है, अन्य भावों में है और पाप कर्तरी में है तब अशुभ है। लेकिन अगर 6, 8, 12 में आ गया और तब इसके आगे पीछे पाप ग्रह है तब बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव हो गया। सूर्य का एक और सिद्धांत बता दें, सूर्य सबसे अच्छा रिजल्ट देता है दशम भाव में, दशम भाव को ये प्रकाशित कर देता है। दशम भाव से ये राजा का भाव भी होता है, राजपद का, और यहाँ पर सूर्य उस चीज़ का कारक भी है। दशम भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है। अगर नीच राशि में भी होता है, नीच राशि में सूर्य कब होता है, 7 नंबर की गिनती पर, अगर दशम भाव में नीच राशि का भी हो तो भी शुभ परिणाम देगा, कम देगा लेकिन जो देगा वह शुभ ही देगा। उच्च का हो जाए, स्वागृही हो जाए और यहाँ पे शुभ कर्तरी में हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा प्रभाव सूर्य दे देगा। दशम भाव में सूर्य की प्लेसमेंट हमेशा ही अच्छी होती है, भले ही वह नीच का हो तो थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी अच्छा ही होने वाला है। सूर्य अगर 7 नंबर की गिनती पर हो और उसकी डिग्री 10 अंश तक हो, 0 से 10 अंश के बीच में होगा सूर्य, तो वो परम नीच होता है, और 10 अंश के ऊपर है तो सिर्फ नीच होता है। तो अगर सूर्य परम नीच हो गया है आपकी कुंडली में कहीं भी, तब तो जो भी इसके कारकत्व हैं, आत्मबल, आरोग्यता, शासन प्रशासन, सत्ता, नेत्र ज्योति और पिता, ये सब शासन करने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, इन सबको बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ देता है अगर परम नीच का हो, 0 से 10 डिग्री के बीच का हो 7 नंबर की गिनती पर, अन्यथा अन्य मामलों में अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होता है। अगर सूर्य आपका पाप कर्तरी में है, नीच है, पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, आत्मविश्वास में कमी करेगा, डरपोक बनाएगा, दृष्टि कमजोर कर देगा, स्वास्थ्य ऐसे लोगों का बार बार बिगड़ेगा, महामारी के दौरान ऐसे लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना है, दवाओं के साइड इफेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और अगर सूर्य 6, 8, 12 में ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो समाज की नज़र में ऐसा व्यक्ति एक बहिष्कृत व्यक्ति होता है, समाज के लोग ऐसे व्यक्ति से बचना चाहते हैं। 6, 8, 12 में होकर के धन संपत्ति की भी हानि करता है और बड़ी दुर्घटनाएं देने की भी क्षमता रखता है। अगर आपका सूर्य 6, 8, 12 में है और पाप कर्तरी में है तो आपको तनाव भी यह खूब देगा। सूर्य चूँकि मस्तिष्क का स्वामी है तो ये तनाव भी खूब दे देता है, शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद देता है। अगर धन योग है और धन अच्छा कमाते हैं और किसी भी काम को बड़े लेवल पे कर रहे हैं और सूर्य खराब है तो विभाग के अधिकारियों के द्वारा आपको परेशानी आएगी, ईडी की परेशानी, इनकम टैक्स की परेशानी आदि आपको आती रह सकती है। अगर आपकी कुंडली में जहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य से 6ठे भाव में चंद्रमा हो, सूर्य यहाँ है तो यहाँ से 6ठे भाव में जहाँ कहीं भी है, अगर उस सूर्य से 6ठे भाव में चंद्रमा बैठ जाता है तो पाचन से संबंधित बीमारियाँ आ जाती हैं। अगर सूर्य से 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपेंडिक्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आँतों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और सूर्य को अगर पाप ग्रह देख रहा है, जहाँ सूर्य बैठा है उसके सम्मुख कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जहाँ भी सूर्य बैठा है उससे 7वें भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो भी व्यक्ति को परेशानियाँ आती हैं। सूर्य की दशा अंतरदशा में पिता से संबंधित परेशानियाँ, शासन सत्ता से संबंधित परेशानियाँ आती हैं। अगर सूर्य लग्न में बैठा है
तो व्यक्ति के अंदर राजसी स्वभाव लाएगा। धन भाव में बैठा होगा तो धन में कमी लाएगा। थर्ड हाउस में होगा तो प्रताप में वृद्धि करेगा। फोर्थ हाउस में होगा तो माता के लिए थोड़ा सा अशुभ हो जाएगा। पंचम में हो तो संतान को ओजस्वी बनाएगा। छठे में सूर्य अंधेरे में चला जाता है, आत्मविश्वास की कमी कर देगा, अच्छा नहीं रहेगा। सातवें में पत्नी के स्वभाव में रुग्णता लाएगा। आठवें में हो तो दशांतर दशा में भयंकर बीमारी, तनाव, संघर्ष आदि की स्थिति पैदा करेगा। नवम में होगा तो धर्म और पिता की वृद्धि करेगा। दसम में भी अच्छा, ग्यारह में भी अच्छा और बारह में खराब रिजल्ट देगा। सूर्य शत्रु राशि में है तो खराब है। कहाँ कहाँ खराब होगा? शत्रु राशि में है तो खराब है, 6, 8, 12 में है तो खराब है, पाप कर्तरी में है तो खराब है। तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना। अगर वह पाप कर्तरी और शत्रु राशि में होकर के 6, 8, 12 में बैठे तो विशेष खराब, और अगर 6, 8, 12 में नहीं है, अन्यत्र है, तो थोड़ा कम खराब प्रभाव देगा। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ है, खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं? सूर्य को सही करने के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप शासन प्रशासन से पीड़ित हैं, अपने अधिकारियों के द्वारा पीड़ित हैं, सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, अगर आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, बॉस हैं, अगर आप उनसे पीड़ित हैं, तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आप इसे आजमा सकते हैं। सूर्य अगर खराब फल दे रहा है तो सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य की वस्तु जो सबसे प्रसिद्ध है वह गुड़ है, गुड़ का दान करें। तांबे के बर्तन का दान करें, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। दान हमेशा संकल्प लेके करना चाहिए। दान कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको सूर्य अशुभ फल दे रहा, आप उसकी दशा अंतर दशा जब आएगी तो आप अपने आप महसूस कर लेंगे कि वह अशुभ दे रहा है कि शुभ। कुंडली में स्थिति देख के भी जान सकते हैं। तो अगर सूर्य की अशुभ दशा चल रही है और जो जो कारक मैंने ऊपर बताए, आरोग्यता, शासन प्रशासन, अधिकारी वर्ग, आँखों से संबंधित, पिता से संबंधित परेशानियां हैं, तो आप जान लीजिए आपका सूर्य खराब है। तो आप रविवार के दिन सुबह स्नान वगैरह करके आसन पे बैठ जाइए, पूर्व दिशा के मुँह तरफ मुँह करके, और 11 रविवार 2 किलो 3 किलो जितनी क्षमता हो उतने गुड़ का दान आपको करना चाहिए। हाथ में जल ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत मतलब चावल के दाने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के संकल्प बोल लीजिए, मैं फिर अपना नाम मैं फला, अपनी लग्न कुंडली में फला भाव में जिस भाव में सूर्य हो उस भाव का नाम लेकर के, मैं जैसे मान लीजिए अष्टम में है, मैं फला अपनी लग्न कुंडली में अष्टम भाव में स्थित सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए गुड़ का दान कर रहा हूँ। जल वहीं जमीन पर छोड़ दीजिए, अक्षत गुड़ को दोनों हाथों से छू दीजिए और किसी को दान में दे दीजिए। दान किसको देना चाहिए? देखिए, शनि, राहु और केतु का दान आप किसी को भी दे सकते हैं। अन्य ग्रहों का दान आप ब्राह्मण को दीजिए या मंदिर में पुजारी को दीजिए, पूजा पाठ करने वाले को दीजिए। चंद्रमा और शुक्र का दान आप किसी को भी दे सकते हैं, विशेषकर स्त्री को देने से लाभ होता है। चंद्रमा और शुक्र का दान स्त्री को देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दान करिए। अगर दान में आपको और ज़्यादा विशेष लाभ लेना है तो उस ग्रह की कई वस्तुओं का दान करिए, जैसे गुड़ भी कर दीजिए, तांबे का कोई बर्तन भी ले लीजिए और लाल रंग का वस्त्र भी ले लीजिए। तो तीनों थोड़ा थोड़ा मात्रा में करेंगे अगर 11 रविवार तो ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा उपाय होता है किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए। अशुभ प्रभाव दान से अशुभ प्रभाव खत्म होगा। अशुभ प्रभाव खत्म हो और शुभ प्रभाव बढ़े, शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए, अशुभ को कम करने के लिए उस ग्रह के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। सूर्य के जो मंत्र का जाप होता है 4 गुना + दशांश सहित 31,000 मंत्र का जाप आप पुष्चरण करवाइए। 31,000 मंत्र के जप का पुष्चरण करके हवन करने से सूर्य का जो भी अशुभ प्रभाव होगा 4 से 6 महीने में खत्म हो जाता है। थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा लेकिन सॉलिड काम करता है। तो ये जप भी आप करवा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली में, यहाँ 5 नंबर लिखा हो, यहाँ 5 नंबर लिखा हो या यहाँ 5 नंबर, इन तीनों घरों में 5 नंबर कहीं लिखा हो और सूर्य 6 में, 8 में और 12 में ना हो,
यानी लग्न का स्वामी हो सूर्य, पंचम का हो या भाग्य का स्वामी सूर्य हो, और सूर्य 6, 8, 12 में ना स्थित हो, तो आप सूर्य का रत्न माणिक्य भी पहन सकते हैं। माणिक्य पहनने से सूर्य का शुभ प्रभाव और बढ़ जाता है। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगले कार्यक्रम में हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।